महानिदेशक ने सिरसागर सीएससी का निरीक्षण किया और सीएससी प्रभारी को एक हफ्ते में समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देशित किया। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक का संचारी रोग अभियान का दौरा होने पर उनके कार्यक्रम में जाते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने सिरसागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर अचानक औचक निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के समय कुछ खामियां नजर आईं। उन खामियों को सुधारने के लिए केंद्र प्रभारी डॉक्टर कपिल यादव को एक सप्ताह में दूर करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आनंद यादव ने स्वास्थ्य महानिदेशक से बातचीत करते हुए मांग की कि सिरसागंज सीएससी पर लेडी सर्जन डॉक्टर की कमी है, उसकी व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहां दो हाईवे का मिलन है जिसमें दुर्घटनाएं होती हैं। वह एक्सरे डिजिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल को 50 बेड में परिवर्तित किया जाए। उन मांगों को लेकर महानिदेशक ने आश्वस्त किया कि आपकी मांगों पर विचार कर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूं, तो मैंने सोचा सीएससी सिरसागंज का निरीक्षण कर चलूं। निरीक्षण करते समय उन्हें जो खामियां मिली उनको दूर करने के लिए केंद्र प्रभारी को एक सप्ताह का निर्देश भी दिया गया है। सूर्य प्रताप सिंह, सिरसागंज, फिरोजाबाद, समाचार 24। भैया किस तरह निरीक्षण किया गया, क्या दिखाने दे दिए? देखिए मैं आया तो हूँ, प्रदेश में जो विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है उसका आज माननीय उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री पाठक जी द्वारा उसका अनावरण होना है फिरोजाबाद में। तो मार्ग में जाते वक्त मैंने सोचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण कर लें, तो मैं यही सिरसागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने आया हूँ। और मैंने निरीक्षण किया, यहाँ पे ओपीडी देखा, लेबर रूम देखा, स्टोर देखा, सब कुछ सही लगा। कुछ जो सुधार की आवश्यकता थी वो मैंने यहाँ अधीक्षक डॉक्टर कपिल को बता दिया कि एक सप्ताह के अंदर जो भी कमियाँ थी उसको ठीक कर लिया जाए ताकि मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके।